केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी आज जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले इसकी पुष्टि की थी। वे लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच भाषण से शुरुआत करेंगे। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा दिन है। वही उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हो सकते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके मुताबिक शाम 4 बजे पीएम मोदी सदन में अपनी बात रखेंगे। रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह ने बुधवार को बताया था कि पीएम मोदी 10 अगस्त को संसद में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित होंगे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष द्वारा एनडीए सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।